नीट 2024 का परीक्षा प्रमाण घोषित होने के बाद विद्यापीठ पाठ के जश्न का माहौल है। परीक्षा में विद्यापीठ पाठ के बच्चों ने अपना परचम लहराते हुए फुल मार्क्स हासिल कर सफलता अर्जित की है। बच्चों के इस सफलता का जश्न विद्यापीठ पाठ के गिरिडीह ब्रांच में भी मनाया गया। यहां बच्चों और विद्यापीठ के शिक्षकों के सफलता का जश्न मनाया। बताया गया कि परीक्षा में विद्यापीठ के दो छात्र तथागत अवतार और मानव प्रियदर्शी ने ऑल इंडिया में पहला रैंक हासिल किया। इन दोनों ने 720 अंक में 720 लाकर सफलता अर्जित की है, जबकि विद्यापीठ के कई अन्य बच्चे 710 से अधिक अंक लाकर सफल हुए हैं। बताया गया कि विद्यापीठ पाठशाला में बच्चों को बेहतर फैकल्टी के साथ तैयारी कराई जाती है ताकि बच्चे अपना भविष्य उज्जवल बना सकें। हमारा पीडब्ल्यू के इतिहास में पहली बार हमारा ही दो बच्चे जो कि 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स ऑब्टेन किए, जिनका हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेशन किए सभी हमारे शिक्षकों और बच्चों के साथ। कितने बच्चे आपके यहाँ नीट में एग्जाम में पार्टिसिपेट किए? ये तो अभी हमारी स्टिल काउंटिंग चल रही है कि कितने बच्चे का रिजल्ट हमारा आया है, बट अभी हमारा 711 प्लस 9 बच्चे ने अभी अचीव किया है। साथ ही साथ हमारा 720, जैसे आपको बताया कि दो बच्चे ने 720 लाया है, जिसका नाम है तथार अवतार और एक हमारा मानव। और साथ ही साथ अभी हमारे रिजल्ट्स अनाउंस होने वाली है, जिसमें कि हमारे कितने बच्चे ने पार्टिसिपेट किया था नीट में, वो आपको रिजल्ट्स मिल जाएगा। और आगे हम लोग इस तरह से और क्या लोग बच्चों को सुविधा दे रहे हैं? जैसे कि ये ग्रेडी ब्रांच में हम लोग जो अभी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिन बच्चों ने इस बार नीट में क्वालिफाई किए, जिन्होंने 720 मार्क्स लाया है, जिन शिक्षकों ने उन्हें पढ़ाया, सेम फैकल्टीज हम लोग ग्रेडी सेंटर में भी बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब जो फैकल्टीज आपके जो क्लास में अटेंड करते हैं बच्चों को, वही ऑनलाइन में भी पढ़ाते हैं? हमारे जो ऑनलाइन यहाँ पे सेगमेंट पाठशाला सेगमेंट चल रहा है, जहाँ पे बच्चे इनरोलमेंट लिए हुए हैं, जो बच्चे को शिक्षक पढ़ा रहे हैं, सेम फैसिलिटीज फैकल्टीज हम लोग यहाँ बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं ग्रेडी में। अभी आपके सेंटर में यहाँ कितने बच्चे हैं? अभी हमारे सेंटर में लगभग 600 प्लस बच्चे ने एनरोलमेंट लिया है। यहाँ पे कब से यहाँ पे ज्वाइन किए? हो गया, स्टार्टिंग से आ रहे। स्टार्टिंग कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। मतलब किस हिसाब से डांस करने की इंटरेस्ट है? नो, यहाँ का पढ़ाई तो अच्छा है और यहाँ का फैसिलिटी जो आए सारा ठीक है और कम फीस में अच्छा पढ़ाई हो रहा है। मन लग रहा है? हाँ। और बगल में? यस। आप क्या नाम हुआ आपका? आर्यन कुमार गुप्ता। आर्यन कुमार गुप्ता, घर कहाँ है? जमुआ। यहाँ पे आप रहते हैं, घर करके पढ़ाई करते हैं या फिर बाटे आते हैं? हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। हॉस्टल कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। यस सर। ऋषिका रंजन। यहाँ पे कब से ज्वाइन किए पार्ट फिजिक्स वाला? सर स्टार्टिंग से भी ज्वाइन किए, जब से शुरू हुआ है यहाँ पे। कैसा लगा? सर अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अच्छा लग रहा है। इससे पहले कहाँ पढ़ाई की? सर इससे पहले तो मैं कोई कोचिंग में नहीं ली थी, ये फर्स्ट टाइम। बच्चे कंप्लीट कर रहे हैं, उसके साथ हम लोग जो फैकल्टी जो लोग हैं अपने जो भी मेहनत है वो पूरा डट के कर रहे हैं। और फैसिलिटी की बात रह गई, जो भी सेंटर का वो जितना भी चाहिए उतना सारा चीज़ मिल रहा है। प्लस में आपका डाउट फैकल्टी यहाँ पे, मतलब डाउट छोड़ने का पीपीपी या मॉड्यूल जो भी, कहीं से छूटने का कहीं चांस नहीं बनता। तो बच्चे का क्वालिफाई करना और रैंक वन अगले बार ग्रेडी से आए, मैं यही कोशिश करूँगा सारे फैकल्टी को और सारे बच्चे को जितना हो सके मोटिवेट करते करते आगे बढ़ते हैं। एक सवाल, इवनिंग में आप लोग कितने बजे तक आप लोग क्लास देते हैं? 8 बजे तक, ऐसे 8 बजे तक जाती है, ऐसे 9 कभी कभी 9 बजे भी चल जाती है। तो हम लोग 9 बजे तक भी अटेंड कर सकते हैं, 10 बजे तक भी कर सकते हैं, ये बच्चों की डिमांड है। और अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा है तो वो देर रात तक तो ऑनलाइन वैन का सुविधा है सर, वो हम वाहन बच्चे को वाहन का भी सुविधा है और ग्रामीण के बच्चे आते हैं, अधिकांश बच्चे आते हैं जो चले भी जाते हैं 8 बजे के लगभग हो जाते हैं, ऐसे 8 बजे तक कम्प्लीट रहते हैं। कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो ग्रेड ए के अगल बगल का है तो आराम से 9 बजे तक पूरा डाउट क्लियर करेगा, तो उसके बाद जाते हैं। इस वाला के इतिहास रचने का ये सिलसिला जारी रहेगा। हम लोगों का ऐसा मानना है कि हर एक जगह से, हर एक शहर से, हर एक छोटे छोटे शहर से
हम लोग आने वाले समय में तथागत और मानव जैसे बच्चे को प्रोड्यूस करें। ग्रीडी में भी हमारा यही सिलसिला भी जारी रहेगा और हम लोगों को ऐसा उम्मीद है कि आने वाले टाइम में हम लोग यहाँ से भी मानव और तथागत जैसे बच्चे को प्रोड्यूस करेंगे। और अभी हम लोगों का ये प्रोग्राम चल रहा है और आने वाले टाइम में हम लोग करते रहेंगे। और यहाँ पे आप लोग क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं बच्चे को? सर यहाँ पे शायद एक इंस्टीट्यूशन में जितनी सुविधाएं होनी चाहिए ऐसा कोई सुविधा नहीं है जो बच्चे को यहाँ नहीं दिया जा रहा है। बच्चे के लिए फर्स्ट क्लास लाइब्रेरी, जो टीचर मानव को और जो फैकल्टी मानव को और तथागत जैसे बच्चों को ट्रेंड किए हैं वही फैकल्टी ऑनलाइन में यहाँ पर भी क्लास ले रहे हैं। उसके बाद सर यहाँ पे लाइब्रेरी की सुविधा है 12x6 आप कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे डाउट फैकल्टी हमेशा यहाँ पे बच्चों के पीछे लगे रहते हैं, क्या डाउट है नहीं डाउट है। और ऊपर से हम लोगों का मोटिवेशन वो कंटिन्यू चलते रहता है कि बच्चे आने वाले टाइम में डिमोटिवेट ना हो जाएं कि बच्चे ने इतना लाया इतना कम मार्क्स आया, तो ये मोटिवेशन प्रोग्राम हम लोगों का चलते रहता है। और आगे आप लोग इस तरह से आगे सर हम लोग ये सोच रहे हैं कि ग्रीडी से हम लोग जो है ग्रीडी के हर एक गाँव से एक इंजीनियर एक डॉक्टर कम से कम प्रोड्यूस करें मिनिमम। ये हमारा और ये अलग सर का भी ये एक विजन है कि हर एक गांव में हर एक शहर से हर एक कस्बा से हर एक गरीब तबके के परिवार जो है हर एक आईआईटीयन और एनआईटीयन या फिर एक एमबीबीएस कम से कम प्रोड्यूस करें। ये आप लोगों का अपना लक्ष्य लक्ष्य सर।